ये जानकी माई की नगरी में इतने श्रद्धालु हैं जो लाखों लाख की तादाद में चलकर सारे परिक्रमाओं को फेल कर दिया है। पंद्रह दिन तक चला वाला एक पावन महायात्रा ई छै मिथिला मध्यमा परिक्रमा। ऐ यात्रा में साधु संत आ गृहस्थ आश्रम के श्रद्धालु सब लाखों की संख्या में श्रद्धा भक्ति आ उत्साह पूर्वक सहभागी होइत छथि। परिक्रमा केला सँ मोक्ष प्राप्ति होइ छै से हिंदू धर्मावलंबी सभक विश्वास छै। ऐ अवधि में श्रद्धालु सब भजन कीर्तन प्रवचन पूजा पाठ आ अन्य धार्मिक आ सांस्कृतिक अनुष्ठान में सहभागी होइ छथि। मिथिला में रहते हुए भी मैंने विवाह पंचमी में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन परिक्रमा की जथा में मैं कभी शामिल नहीं हो पाया था। इसलिए अपना अभिलाष था कि इस बार हम जनकपुर परिक्रमा निश्चित रूप से जाएंगे, और हमने अकेला आने के लिए तैयार था। ये भी साथी पीछे हो गए थे मेरे कि हम नहीं जाने वाले हैं, और हमारा अकेला साइकिल कसा गया था कि आज हमको जनकपुर परिक्रमा में शामिल हो जाना है। लेकिन सवेरे ये आए हमारे ये पास दौड़ते हुए कि बाबा हम भी चलेंगे, और हम लोग वहाँ से साइकिल से ही यहाँ परिक्रमा में जथा में शामिल हो गए हैं। जहाँ सीता जी ने जन्म लिया है, तो हमारी देखने की इच्छा थी कि हम एक बार जाकर के जनकपुर जरूर उस परिक्रमा को करें कि यहाँ आने से संतों के दर्शन हो जाते हैं, आवागमन की मुक्ति मिल जाती है, बस हम इसीलिए यहाँ आए हुए। भारतक मधुबनी जिला में स्थित श्री कल्याणेश्वर महादेव स्थान के ऐ यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में लेल जायत अछि। ई स्थान कलना के नाम से सेहो जानल जाय छै। कलना में पदयात्री सब द्वारा यात्रा के संकल्प लेला के बाद मिथिला मध्यमा परिक्रमा विधिवत रूप से आरंभ होइत अछि। कलना एक ओ परिक्षेत्र है जहाँ सारे डोला और सारे परवासी वहाँ जो संकल्पित होते हैं कि आज से हम इस डोला के साथ जानकी माई की परिक्रमा 84 का करेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है जहाँ सारे श्रद्धालु वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। ताई समय में राजा जनक मिथिला का राजधानी जनकपुर धाम के चारों दिश शिवलिंग स्थापना करौने जनश्रुति छै। कल्याणेश्वर वही में से एक अछि। कल्याणेश्वर स्थान में मेला देखा लेल दूर दूर के गांव से आयल लोकक भीड़ बढ़ रहल छै। अइ यात्रा के मुख्य आकर्षण मानल जाय वाला श्री मिथिला बिहारी आ श्री किशोरी जी के डोला देखा लेल सब आतुर छथि। मिथिला पंचांग के मुताबिक आई फागुन महीना के अमावस्या तिथि छै।
एखन श्री मिथिला बिहारी स्थान से डोला निकाल के तैयारी भ रहल अछि। नेपाल के मिथिला बिहारी नगरपालिका के कचुरी में रहल ई स्थान से प्रत्येक वर्ष मिथिला मध्यमा परिक्रमा वास्ते डोला निकाल के परंपरा अछि। ऐ शुभ अवसर पर एतुका ग्रामीण सब के सक्रियता में विशेष उत्सव मनाओल जाय छै। नेपाल आ भारतक कतेको स्थान से लाखों श्रद्धालु सब ऐ परिक्रमा में सहभागी होय छै। ऐ में नेपाल के लक्ष्मीनिया गांवपालिका के चंदेश्वर ठाकुर सेहो अपन धर्म पत्नी संग परिक्रमा यात्रा निकल के पूर्व तैयारी में लागल छथि। हुनके जका गामक आनो लोक सब ऐ यात्रा में सहभागी होवय जा रहल छथि। हिंदू धर्म ग्रंथ सब में मिथिला के प्राचीन आ समृद्ध सभ्यता के रूप में वर्णन कयल गेल छै। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी आ पश्चिम में गंडकी नदी के बीच तक पसरल क्षेत्रफल के प्राचीन मिथिला कहल गेल छै। त्रेता युग में तत्कालीन मिथिला के राजा शिरध्वज जनक के बेटी सीता संग अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बियाह भेल छलनि। रामायण में वर्णित सीताराम के प्रसंग सब से हो मिथिला के महिमा उजागर केने अछि। मिथिला बिहारी भगवान श्री राम के कहल जाय छन त सीता जी के किशोरी जी, जानकी, वैदेही सन और कतेको नाम से संबोधन कयल जाय छन। ऋषि मुनि लोकन के तपोभूमि रहल तत्कालीन मिथिला के भूभाग एखन नेपाल आ भारत में पड़ित अछि। कहबी छै भारतक लोहागढ़ से आयल एक गोटे सिद्ध जोगी सुरकिशोर दास आधुनिक जनकपुर धामक खोज केने छलथि आ आइ जनकपुर धाम के लोक सब प्राचीन मिथिला के राजधानी के रूप में माना लागल। बहुत रास धार्मिक आ सांस्कृतिक पुस्तक पोथी के संगे शोध सब में एहन चर्चा छै। जनकपुर धाम एखन नेपालक मधेश प्रदेश अंतर्गत रहल एकटा उप महानगर पालिका अछि। पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ जनकपुर धाम के मुताबिक जनकपुर धामक खोज 17वीं शताब्दी के शुरुआत में भेल छल। सुरकिशोर दास आ चतुर्भुज गिरी सन 1630 से 1700 के बीच में जनकपुर धाम आयल होयबाक आकलन अधिवक्ता उमेश यादव के शोध पत्र में उल्लेख छन्। सन 1800 में जनकपुर धाम शहर नै रहे एकटा तीर्थ क्षेत्र रहे जत संत सब द्वारा स्थापित मठ सब छल। सुरकिशोर दास द्वारा सीताराम के मूर्ति स्थापना भेल जगह पर एखन जानकी मंदिर अवस्थित अछि। भारतक टीकमगढ़ के महारानी बृषभानु कुंवर एकर निर्माण करवौने छलीह। सन 1894 में कार्य शुरू भ सन 1911 में एहि मंदिरक निर्माण सम्पन्न भेल रहे। जानकी मंदिर के हिंदू सभक आस्था के प्रतीक मानल जायत अछि। सुरकिशोर दास के 16वां पुस्ता के रूप में श्री राम तपेश्वर दास वैष्णव एखन एहि मंदिरक महंत छथि। अमेरिकन रामायण रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका में छै तो ओ बतबै है जे 5000 से बेसी किताब छै जे जनकपुर के संदर्भ सब आयल छै। प्राचीन ग्रंथ सब में हम सब देखै छी जे जनकश्यपुरी ददर्श वाल्मीकि रामायण में चर्चा भेल छै आ भू परिक्रमा में चर्चा भेल छै। मिथिला तत्व विमर्श महामहोपाध्याय परमेश्वर झा के लिखल छै ताहि मे चर्चा भेल छै। 1805 ईस्वी में रघुनाथ दास नाम के अयोध्या के एकटा महापुरुष लेने छला श्री महाराज चरित्र कह के, जाहिमे से एहिठाम के सरोवर मठ मंदिर आदि के प्रसंग में चर्चा भेल छै। ओहिके संगे संगे परिक्रमा के चर्चा सेहो भेल छै। जेना सूरज प्रातः पूर्व दिशा में उदित भक पश्चिम में अस्त होइ छै तहिना अपन धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करब विधान हिंदू धर्म में प्रचलित अछि। सामान्यतः कोनो वृत्त या परिधि के एक चक्र पूरा केनाई परिक्रमा छै जेकरा प्रदक्षिणा सेहो कहल जाइत अछि। देव मूर्ति या पवित्र स्थान प्रति श्रद्धा व्यक्त कर लेल परिक्रमा कयल जाइत अछि। नारद पुराण आ कर्मलोचन नामक ग्रंथ में देवी देवता के परिक्रमा के संख्या सेहो निर्धारित छै जेना दुर्गा के 1, सूरज के 7, गणेश के 3, विष्णु के 4, शिव के आधा अहिना अहिना। परिक्रमा के व्यवहारिक आ वैज्ञानिक पक्ष वास्तु आ वातावरण में व्याप्त सकारात्मक ऊर्जा संग जुड़व सेहो छै। परिक्रमा संस्कृति हाल तक 72 जनकपुर धाम क्षेत्र में प्रचलित अछि।
जना ब्रज में हो 84 को उसके तहिना गंगा सड़क हिमालय आ गंडकी सड़क कोशी तक के परिक्रमा हो चले जकर सिर्फ अखन संदर्भ हमरा लोकन के मिथिला महात्म्य वगैरह जो ग्रंथ सब है तैमे भेटे अमावस्या से लड़कर आ फाल्गुन पूर्णिमा तक हो तो ओकर चर्चा भले माध्यमिक परिक्रमा अथवा अंतर्गृह परिक्रमा तकर चर्चा। पंचम वेद के रूप में स्वीकारल गेल बृहद विष्णु पुराण के महत्वपूर्ण अंग मिथिला महात्म्य में सेहो मिथिला परिक्रमा के विषय में उल्लेख कयल गेल छै। महात्म्य के तृतीय अध्याय के श्लोक 33-35 तक बृहद, 39-44 तक मध्यमा आ श्लोक 45-49 तक लघु अर्थात अंतर्गृह परिक्रमा वर्णित छै। मिथिला महात्म लिखल जाय से पहिनहि से परिक्रमा के प्रचलन रहल कतेको साहित्यकार सभक धारणा छनि। बृहत मतलब मिथिला राज्यक परिक्रमा छै। हाल ई शास्त्र आ पुराने में सीमित अछि। मिथिला के राजधानी अर्थात 72 जनकपुर धाम क्षेत्रक परिक्रमा मिथिला मध्यमा परिक्रमा छै। तहिना जनक महल या जनकपुर धाम नगर परिधि क्षेत्र में कायल जाय वाला परिक्रमा के लघु या अंतर्गृह परिक्रमा कहल जायत अछि। आचार्य बाबा रामदास के नाम होवे छै, ओकरा बाद लाडली शरण जी के नाम होवे छै, प्रेम लता जी के नाम होवे छै, तो एक प्रकार से हुनका सबके अगुवाई के से ये परिक्रमा के संरक्षण भेले, एकर व्यवस्थापन में प्रवर्तन भेले और आज के दिन में लाखों लाख लोग के जे एकटा पैदल यात्रा जे लंबा समय के यात्रा के रूप में मिथिला में देखल जाय छै, वही परिक्रमा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा है। सुरकिशोर दास द्वारा जनकपुर धामक खोज पश्चात सीतामढ़ी मठ के सीता प्रसाद आ बराही मठ के सूरदास मिथिला महात्म के आधार पर मार्ग खोजी का परिक्रमा केने छलथि। ताहि समय के मार्ग विकट आ वन जंगल क्षेत्र होइत गुजरलाक कारणे परिक्रमा संचालन दुरूह काज छल। वह क्रम में जनकपुर धामक सीता कुंड के महंत रामदास के प्रयास से वार्षिक रूप से परिक्रमा करे के प्रथा शुरू भेल। रामदास के आचार्य बाबा के नाम से सेहो चिन्हल जाय छन्। आचार्य बाबा साधु संत सब के संगठित क जुलूस के रूप में सिपाही बाजा लाठी सब संग चीज से सुसज्जित भ वार्षिक परिक्रमा के अगुवाई कर लागल मैथिली साहित्यकार सब बतबे छथि। तहिना रिचार्ड बरघट लिखे छथि जे रामदासक बाद हुनक शिष्य कुंज बिहारी दास मठाधीश भेलथि। ओम्हर कुंज बिहारी कनिष्ठ गुरु भाई लाडली शरण सीता कुंड छोड़ कर कचरी गाम लग के जलाद नदी तट पर आश्रम स्थापना केने छलाह। ताई के बाद जनकपुर धामक वार्षिक परिक्रमा के समय में जुलूस के अगुवाई करे के विषय में विवाद उत्पन्न भेल रहे। विवाद समाधानक लेल कोनो बैसार बजाओल गेल प्रमाण नहीं छे, मुदा जुलूस प्रस्थान के अवसर पर पैघ संख्या में बैरागी सब लाडली शरण के अनुसरण कयने रहित, तैं जुलूसक अगुवाई करे के विशेषाधिकार आइयो कचुरी आश्रम के मठाधीश लग छन। वन जंगल जंगली जानवर आ परिक्रमा पथक भयानकता के कारण परिक्रमा यात्रा लुप्त भेल पुस्तक सब में उल्लेखित भेटित अछि। सदगुरु चरितम श्री प्रेमलता चरितामृताख्य के मुताबिक भारत के ग्वालियर से जनकपुर धाम आयल संत प्रेमलता विक्रम संवत 1964 में मध्यमा परिक्रमा फेर से संचालन में अन्य छलाह। प्रेमलता के नाम से परिचित हुनक नाम श्री सियालाल शरण महाराज परमहंस छनि। श्रद्धालु सब हुनका परिक्रमा सरकार कहि कऽ संबोधन करैत छथि। मिथिला महात्म के अनुसरण करैत 5 दिन में पूरा होवे वाला परिक्रमा यात्रा के वह 15 दिवसीय बनौने छलाह। दादाजी महाराज की किशोरी जी सपन देलखिन कि तुम मिथिला को परिक्रमा चलाओ कि 5 दिन से 15 दिन बेहतर करो। चेला ढोलक झाल एहना कह के परिक्रमा कलखिन। भगवान ते दिन में डोली अच्छा भगवान नहीं रहे, पहले वहीने कहने छथिन शुरुआत। तो हमारे दादा गुरु एतटा के कीर्ति कहने छथिन विश्व में एहन परिक्रमा कतौ नहीं है, विश्व के परिक्रमा नहीं छन, एत आनंद नहीं छ, एत जनता जनार्दन में रहे। तै के हर्ष में परम्परा से हमारे बाबा गुरु गुरु महाराज पर बाबा गुरु सब दादाजी महाराज के मुड़ी पर उत्साह से हम सब माथा पर लगे हर्ष के साथ घूमे। आ परिक्रमावासी जते करथिन हाँ विधि पूर्वक, लेकिन नियमावली छ परिक्रमा के, नियम से यदि चलते कल्प वृक्ष जे कुछ मांगतन बिना मांगे देते। संत प्रेमलता के पहल से गृहस्थ सब सेहो अइ यात्रा में सहभागी होइत गेला। परिक्रमा पथ सेहो सहज होइत गेला से ई व्यापक होइत गेल।
श्री मिथिला बिहारी डोला के अगुवाई में पैघ संख्या में श्रद्धालु सब जुड़ा लगला आ वो क्रम आई पर्यंत निरंतर जारी है। मंदिर में भीड़ बढ़ रहा है, पूजा पाठ भजन कीर्तन आ प्रसाद चढ़ाव के क्रम जारी है। रंग अबीर में उत्सव छे, उल्लास से भरल आत्मविभोरता के वातावरण में श्री मिथिला बिहारी के सुसज्जित डोला प्रस्थान कर रहल छे। एम्हर चंदेश्वर ठाकुर से हो घर से निकल रहल छे, हुनक अन्य सहकर्मी सब से हो बंदोबस्ती के सामान ओरियाब में व्यस्त छथि। एना का घर परिवार से दूर भ परिक्रमा यात्रा में निकला वाला के परिक्रमावासी कहल जाय छे। गांव के परिक्रमा करी हम सब बीच बीच में गांव परल गांव में भगवान के पूजा आरती सर स्वागत करित ई थोमाना पोखरी छथिन वही पर हमारे मिथिला बिहारी परिक्रमा विश्राम स्थल बनल छथिन। मिथिला बिहारी के स्वयं सेवक इत्यादि भक्तजन रहल सब गोरे बैठ के वही चूड़ा दही बाल भोग कैलक। बीच में बेंगा रजौल बेलही पिरारी ऐसे होते रतन सागर जी मंदिर छथि जनकपुर के रतन सागर में भगवान गेल हमारा परिक्रमा के डोला में से उनका आसन पर मिथिला बिहारी सरकार विराजमान भेल वही भोजन पानी करके भगवान के जोड़े विश्राम करके जते भी उनका जोड़े भक्तजन रहल भजन कीर्तन करित मुतकर कुंड में जाकर वो पान प्रसादी पूजा आरती भेल पूजा आरती भके भर विदाई भके वही से मिथिला बिहारी सरकार फेरु चलल। वही से चल कर जानकी मंदिर में जानकी मैया विराजमान छथिन वही जगह पर मिथिला बिहारी सरकार के डोला रखायल वही के महंत पुजारी अपने से पूजा आरती करके भगवान के सर स्वागत करके बर विदाई करके महंत पुजारी इत्यादि भक्तजन जते रहल पान प्रसादी बांट के तब वही से मिथिला बिहारी सरकार आगा पड़ाव के लागी प्रारंभ भेल यानी हनुमान नगर। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 12 में स्थित हनुमान गढ़ी के हनुमान नगर सेहो कहल जाय छे। एकरा मध्यमा परिक्रमा के पहिल पड़ाव अर्थात विश्राम स्थल मानल जायत अछि। एहि ठाम मिथिला बिहारी के डोला संगे परिक्रमा वासी सब रात्रि विश्राम करै छथि। विश्राम स्थल के बासा कहवाक प्रचलन छै जाय ठाम मेला सेहो लगै छै। मध्यमा परिक्रमा अंतर्गत नेपाल में 10 आ भारत में 4 विश्राम स्थल अछि। हनुमान गढ़ी के स्थापना के संदर्भ में बहुत रास कथा आ प्रसंग सब अछि। यद्यपि पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ जनकपुर धाम में रिचार्ड बड़घट हनुमान नगर के तत्कालीन महंत राम बिहारी दास के कथा के उद्धृत करित लिखने छथि जे हनुमान गढ़ी के स्थापना संत प्रीतम दास केने छलाह। गंगा स्नानक क्रम में हुनका हनुमान जी के मूर्ति भेटल रहे, वही मूर्ति के एहि स्थान में स्थापित कर वो पूजा पाठ करय लगलाह। सुरकिशोर दासक बाद तेसर संत के रूप में प्रीतम दास जनकपुर आयल मैथिली साहित्यकार सब से हो उल्लेख कयने छथि। हनुमान गढ़ी में मेला के रौनक बढ़ित काल ओम्हर जनकपुर धाम स्थित सुंदर सदन में सेहो भजन कीर्तन भ रहल छै।
मिथिला बिहारी जी के डोला निकलला के प्रात भीने अहिठाम सा श्री किशोरी जी अर्थात सीता जी के डोला निकाल के प्रचलन रहले छे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, धवल धाम मणि पुरट पट सुगठित नाना भात से निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। अर्थात किशोरी जी के निजी निवास, जैसे हम लोग जो बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक ठो कमरा दे देते हैं, उस तरह से ये सुंदर सदन जो है सो किशोरी जी का निजी निवास है। तो यहाँ से किशोरी जी का डोला निकला। हमारे प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पंडित राम दुलारी शरण जी महाराज जो हमारे दादा गुरु जी थे, तो मिथिला बिहारी के डोला में ही सर्वप्रथम उन्होंने मिथिला महात्म्य की कथा शुरुआत करा। उन्हें लगा कि भाई नहीं, किशोरी जी को डोला भी उठना चाहिए, तो उन्होंने जो है किशोरी जी की डोला शुरुआत करा। कचरी से मिथिला बिहारी जी निकलते हैं, तो कचरी से डायरेक्ट कल्याणेश्वर जाना शायद दूरी ज़्यादा हो जाए। तो एक दिन आकर को जनकपुर में विश्राम करते, और किशोरी जी तो जनकपुर धाम में है, तो फिर अन्य जगह विश्राम करने काहे के लिए जाएगी। और कल होके सब कलना में जो है इकट्ठा होते हैं, संकल्प लेकर वहां से परिक्रमा शुरू करते हैं, क्योंकि परिक्रमा तो शुरू होना है कल्याणेश्वर से। राम और सीता के नेतृत्व में अलग अलग डोला हुई, तो वही में सीता राम के संयुक्त मूर्ति राखल जाते थे। राम दुलारी शरण बाबा छलखिन, उ कथा कहे छलखिन, उ कहलखिन सरकार से आज्ञा लेलखिन कि सरकार हम डोला चलाने चाहते हैं। सरकार आज्ञा देलखिन कि ठीक है तुम चलाओ डोला, लेकिन चलाओ लेकिन मिथिला बिहारी के एकदम सम्मान के साथ परिक्रमा करना, उनका आदर भाव से उनका मानना, और श्रेष्ठ रहेगा मिथिला बिहारी और उसके पीछे आप रहिएगा। 7 दशक से ज़्यादा समय से किशोरी जी के डोला अलग वेल से जेकर अभिलेख शायद जिला प्रशासन कार्यालय में अभी उपलब्ध भेट सकते हैं, जो मिथिला बिहारी जी के जो डोला थे वो आगा रहते और किशोरी जी के डोला पाछा पाछा रहते, ते हिसाब से आइयो के दिन में संचालन व्यवस्थापन होते आबि रहा है। हनुमानगढ़ी में विश्राम कर रहल परिक्रमा वासी सब सूर्योदय संगे कल्याणेश्वर के लेल प्रस्थान कर चुकल छथि। नेपाल भारत के सीमा में अवस्थित जमुनी नदी में स्नान करित पदयात्री सब भारतीय भूमि में प्रवेश कर के क्रम जारी छे। अतः पुल नहीं भेला सा पदयात्री टायर गाड़ी आ अन्य सवारी साधन के समस्या सा गुजर पड़े छे। उम्हर जनकपुर धाम के सुंदर सदन में विशेष चहल पहल छे। मिथिला मध्यमा परिक्रमा में सहभागी होबे लेल श्री किशोरी जी के डोला निकालल जा रहल छेन। यात्रा में आन मठ मंदिर सबसे सेहो डोला निकाल के प्रचलन बढ़ रहल छे। मुख्यतः भगवान श्री मिथिला बिहारी आ श्री किशोरी जी के डोला के सानिध्य में परिक्रमा वासी सब अपन यात्रा पूरा करैत छथि। भगवान मिथिला बिहारी जी के डोला भारतक सीमावर्ती गाम हरलाखी पहुंच गेल अछि। एहिठामक स्थानीय श्रद्धालु लोकनि सीताराम के प्रतिमा सबके विशेष पूजा पाठ कऽ डोला के विदाई कऽ रहल छथि।
पदयात्री लोकन कल्ला में एकत्रित भ रहल छै। समय के गति संग मेला के स्वरूप से हो बदल रहल छै। भगवान मिथिला बिहारी जी आ श्री किशोरी जी के डोला से हो रात्रि विश्रामक लेल कलना पहुंच चुकल अछि। दुनू डोला के अलग अलग पंडाल छै, जतः दर्शनार्थी सब पूजा पाठ करे के संगे प्रसाद चढ़वे छथि। कल्याणेश्वर स्थान पौराणिक काले से प्रसिद्ध रहल मानल जात अछि। एहि मंदिर के पश्चिम दिश सुंदर पोखर छै, जतः धार्मिक परंपरा मुताबिक शुद्धता के विशेष ध्यान देल जात अछि। एकरा शिवगंगा कहल जात अछि। एतय थुकनाई, मलमूत्र त्याग केनाई आ कपड़ा खींचनाई पूर्णतः वर्जित अछि। तहिना हाथ मुंह धो कऽ मात्र मंदिर प्रवेश करय के विधान छै। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित अछि। प्रवेश द्वार में रहल भगवान विष्णु के ई मूर्ति शिवगंगा के जीर्णोद्धार के समय भेटल छल। भविष्यवक्ता के रूप में नाम कमौने सिद्ध कलना परमहंस बाबा एहिठाम 1 से 10 वर्ष बितौने छथि। अतः महादेव के जलफूल चढ़ौला से संतान सुख के प्राप्ति तथा रोग व्याधि से मुक्ति भेटत अछि से लोक विश्वास अछि। मिथिला पंचांग के मुताबिक आई फागुन प्रतिपदा तिथि छै। नेपाल आ भारतक विभिन्न स्थान सँ परिक्रमा में सहभागी भेल परिक्रमावासी सब कल्याणेश्वर में रात्रि विश्राम कऽ रहल छथि। अबेर राति तक चलय वाला भजन कीर्तन, प्रवचन, नाच गान आ झांकी सभक प्रस्तुति सँ श्रद्धालु सब आत्मविभोर भ जाय छथि। परिक्रमा के मूल भाव से हो शारीरिक आ मानसिक रूप से भगवान के सम्मुख अपना आप के समर्पित केनाई छै। उनके हृदय में उतनी भावनाएं हैं कि ये हमारी जान की मैं आदि शक्ति जगदम्बा की नगरी है, जिसमें हमने जन्म लिया, कण कण यहाँ का हीरा है। तो लोग अपनी यही कामना करता है कि किस क्षेत्र में जानकी माई की चरण धूल उस प्रभु श्री राम जो अयोध्या से चलकर ललितपुर आए, उनकी पैरों की धूल कहीं चरण से लगे। आई फागुन द्वितीया अछि। कलना में रात्रि विश्रामक बाद परिक्रमा वासी सब नित्य कर्म क यात्रा के संकल्प लेबय लेल तैयार भ रहल छथि। मार्ग के अपराध सब बस तथा अपन कल्याण हेतु महादेव के साक्षी राख यात्रा पूरा कर के संकल्प ल पद यात्री सब आगा बढ़ रहल छथि। विधिवत आरंभ भ रहल अइ यात्रा में कतेको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक स्थान के दर्शन प्राप्त हैत। जिंदगी के परिभाषा, अनुपम अनुभूति, समस्या के सामना कर के कला, धर्म कर्म, गुरु शिष्य परंपरा, दान दीक्षा आदि विषय में जानकार होव के अवसर से हो छै ई मिथिला मध्यमा परिक्रमा। भारतक गिरिजा स्थान, नेपालक महोत्तरी जिला के मटिहानी, जलेश्वर, मड़ई, ध्रुवकुंड, कंचनबन, धनुषा जिला के पर्वत्ता, धनुषा धाम, सतोखर और ही आ भारतक करुणा होइत फेर कल्याणेश्वर पहुँच कर पदयात्री लोकन अपन संकल्प पूरा करता है। और फिर कल्याणेश्वर महादेव को दर्शन करके कह देते हैं, धन्यवाद देते हैं शंकर जी को, जो आपकी कृपा हुई और परिक्रमा पूरा हुआ। ऐसे ही कृपा बना रहे, मैं बार बार परिक्रमा करने आओ और इस तरह से आप सहायता करें, कह करके वहाँ संकल्प उनका पूरा होता है। और वहाँ से बिसोल में जो है विश्राम करते हैं, और वहाँ से जो जनकपुर धाम आते हैं वो फिर तीसरा परिक्रमा है, लघु परिक्रमा करने के लिए आते हैं कि भाई मध्यमा परिक्रमा कर लिए हैं तो एक दिन का लघु परिक्रमा है वो भी कर लिया जाए।